यहाँ पर तो या हा फाइनली मिल गया। सो गाइस फाइनली इतने मिल चुके हैं झींगा और स्नेल और मछली, ये तीर के माध्यम से मार मार के पूरा खत्म कर दिया। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से और एक नए वीडियो पर। तो गाइस फाइनली कॉफी के आ चुके हैं नदी की तरफ पे, फिशिंग करेंगे, हो सके तो स्नेल भी पकड़ेंगे। अरे स्नेल भी है और बेसिकली यहाँ झींगा के लिए फिशिंग के लिए डायरेक्ट मार मार के फिनिश कर देंगे, उसके बाद चटनी बना के खाएंगे। तो ऐसे बहुत दिनों से फोर कर रहे हैं, चिकोन कर रहे हैं, तो आज खा के देखेंगे कि झींगा बढ़िया बढ़िया हैंडसम हैंडसम स्नेल है यार। ये है बड़का स्नेल, ये है स्नेल बढ़िया बढ़िया है। और साथ में आ चुका है मिस्टर अमितवा। देखते हैं कि अमितवा को ज्यादा मिलते हैं ना, मुझे ज्यादा मिलता है झींगा, लेकिन मेरे हिसाब से अमितवा को ज्यादा मिल सकते हैं क्योंकि वो जवान है ना, मैं बुढ़ा हूँ, इसलिए बुढ़ा का मतलब इतना शक्ति नहीं रहते हैं। अरे यार बढ़िया बढ़िया स्नेल में उठा कर लेके जाऊंगा मैं। और गाइस मैं झींगा पाओ या ना पाओ तो मुझे स्नेल मिलने से भी काफ़ी है, तो मुझे तो झींगा से बढ़िया स्नेल लगते हैं खाने को। और स्नेल के साथ ना झींग एक पैक बियर पीने से बहुत स्वाद लगता है यार। झींगा नहीं है इस तरफ जो हम लोग पहले मारते थे ना, वहाँ पर किसी ने केमिकल दवा दे के पूरा जितना भी वहाँ पर मछली झींगा है सबको मार दिए हैं। और वहाँ पर रहे तो मैं पूरा तुरंत एफ आई आर करता, तो वो तो इलीगल है। और ऐसी चीज़ दवा दे के मतलब सबको मारना, तो हम लोग तो बस तीर का इस्तेमाल करते हैं और जाल के इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल ऐसे ही स्टाइल में। तो यहाँ पर बहुत ही कम मिला है, तो ये जगह मेरे लिए नया है, तो मुझे लगा कि यहाँ पर मिलेगा कि तो और बस वहाँ तक ही जाएंगे, तो वहाँ से लौट के फिर से दूसरा जगह की तरफ पे जाएंगे और कश्ती यही करेंगे डूब डूब के फिशिंग करने का, तो इससे भी स्नान भी हो जाएगा साथ में, बस इतना ही हो जाएगा। बस मिर्ची की साथ चटनी बना के खा जाऊँगा। झींगा मिला तो थोड़ा सा और इसने मिलता तो इस तरह बहुत ही कम है यार। हाँ बड़ा बड़ा स्नेल है यहाँ पर, बड़ा बड़ा स्नेल, बड़ा स्नेल ये बड़ा ये स्नेल। और दोस्तों अभी भी मैं अपना मोबाइल को गिरा दिया, पानी में गिराया हूँ, पकड़ से गिरा है, तो कोई बात नहीं, एप्पल मोबाइल है इसलिए बच गया है। और इस नदी पे ना वो स्नेल भी बहुत कम है, झींगा भी ना का बराबर है, तो हम लोग डिसाइड किया है कि दूसरा नदी पे जाने के लिए ना, चलो दूसरी में जाएंगे ना, इधर मिलने वाला नहीं है वो। और इस यहाँ पर स्नेल हो सकता है ना, तो इसलिए हम लोग डिसाइड किया है कि वहाँ से आएंगे स्नेल खोज खोज के। आगे की तरफ तो झींगा फिंगा कुछ नहीं मिला है, तो बस एक आदमी के लिए तो हो सकता है, बस हम लोग चार पाँच आदमी है ना, और उसी का वजह से हो नहीं पाएगा। हम लोग आए हैं झींगा के भरोसे पे, तो झींगा तो इतना नहीं मिला, तो स्नेल बस थोड़ा सा मिला, फिर भी हो जाएंगे और नीचे जाएंगे, नीचे के तरफ पे मिल सकते हैं। इस तरफ पे नौ मछली नौ झींगा, तो ये गांव का नज़दीकी नदी है, इसलिए हर कोई यहां पर आके फिशिंग करते हैं, ऐसे क्या वजह से थोड़ा सब समाप्त हो गए हैं। सो दोस्तों फिर से आ चुके हैं हम लोग दूसरा लोकेशन पर, यहाँ पर स्नेल खोजने के लिए। और साथ पे हम लोग वो प्लास्टिक का बैग लेकर आते थे, बहुत बढ़िया होते हैं, और बस इसको मतलब पूल होने से लौट के जाएंगे वापस। तो अमितवा वहाँ पर पकड़ रहा है और मैं जाऊँगा नीचे की तरफ, या वो बाद में आ सकता है मेरे पीछे पीछे अमितवा। सो दोस्तों अभी फिशिंग करेंगे और स्नेल पकड़ेंगे, स्टार्ट कर देंगे। गस काफ़ी सारे हैं स्नेल, तो छोटा छोटा वाला को लेके नहीं जाएंगे, बस बड़ा बड़ा लेके जाएंगे। और बस लेकिन बड़ा वाला तो अच्छा लगता है फिश करने के लिए, तो छोटा वाला इतना अच्छा नहीं लगता है। और मेरा दोस्त भी वहाँ पर है, तो वो भी आ जाएगा आराम से। सो काफ़ी सारे मिल चुके हैं झींगा,
और स्नेल भी काफ़ी सारा मिल चुका है यहाँ पर, मिलता है ना बड़ा बड़ा मोटा मोटा झींगा स्नेल भी मिलते हैं। हाँ झींगा तो मिला है। हाँ हाँ, और अभी तो लौट के जाने का वक्त हो चुका है, या हाँ साथ में और बैग लेके आते थे और उठा कर लेके आते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली लेके नहीं, हम लोग को मतलब उम्मीद नहीं था कि इतना नहीं मिलेंगे, तो फिर भी काफ़ी मिला, तो ज़्यादा लेके जाने से गिर भी सकते हैं, और वहाँ पर ट्रक घुसेंगे ना बस। चलिए अभी मछली की, अरे यार यहाँ पर एकदम मछली आया था, तरफ बड़ा मछली इस तरफ, अरे यहाँ पर छुपा तू या मिल गया गाइस, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये बड़ा है, इसका फिनिश कर देंगे गाइस। यहाँ पर झींगा भी मिल चुका है, स्नेल भी मिल चुके हैं, और समय कम होने के कारण अभी यहाँ से भागना पड़ेगा, और ऐसे भी मतलब ना मैं बस एक ही पन्नी लेकर आया हूँ और दो तीन एक्स्ट्रा पन्नी लेकर आया था, तो मैं और भी लेकर आया था, तो जितना खाने का कैपेसिटी है इतना तो ले गया, चलेगा आराम से, झींगा भी बहुत मिला है, आराम से चलेगा। यहाँ पर तो या हा 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 फाइनली मिल गया यहाँ दो वो हो गया, यहाँ पर एक तो, यहाँ पर एक तो, अरे हिल रहा है, अरे यार या अरे हिल रहा हिल रहा हिल रहा, अरे मर, और अभी खोजता है फिर से और मिल सकते हैं, खोजो, नहीं मुझे काफ़ी है, इतना मिला है काफ़ी है मुझे। ओके तो मछली मिला मुझे, और मिल जाता तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ गाइस, और मिल जाता तो बड़ा बड़ा मछली मिल रहा है यार मुझे, दो को मिल गया अभी अभी, तो ये गिरने से ना खत्म हो जाएगा, बड़ा बैग लेके आता तो पुल होता आराम से, मज़ा आया यार, पूरा सराके खाऊंगा या चटनी बना के खाऊंगा, और हो सके तो मैं कल भी आ जाऊंगा यहाँ पर फिशिंग के लिए, तो अगर आप लोग इस वीडियो चाहते हैं तो फिशिंग और स्नेल कैचिंग का वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताना यार, काफ़ी बढ़िया बढ़िया स्नेल है और मछली भी है, तो समय कम होने के कारण ये भागना पड़ रहा है, और गैस मेरे पास ना स्टॉक में वीडियो नहीं है, इसलिए नहीं तो रात होने तक रहता, और साथ में एक दोस्त भी लेके आया है, एक ही साथ आया है हम लोग, तो उस दोस्त का भी तो ले तो रहा है, मछली हिल रहा है मछली हिल रहा है मछली हिल रहा है, तो अभी तो टाइम बहुत हो रहा है यार, यहाँ पर काफ़ी पाया जाता है मछली और झींगा फिंगा लिंगा। सो दोस्तों मछली का मारते मारते ना पूरा मेरा वो तीर पूरा तेरा हो गया, झींगा को मारते मारते पूरा तेरा हो गया यार, ऐसे काफ़ी सारा झींगा मिल चुका है मुझे, और यहाँ से स्नेल उतारने का हो चुके हैं, लेकिन ये भाई साहब तो पूरा सेटिस्फाई हो गया, आपके लिए स्नेल और नहीं चाहिए स्नेल तुझे, और तेरे पास एक्स्ट्रा पन्नी है क्या? मुझे झींगे मिल गया बस, एक्स्ट्रा पन्नी है तेरे पास? एक्स्ट्रा एक लाया है, हाँ तब उसके साथ पकड़ेगा, ये गिर भी सकता ना इसलिए, ब्लैक वाला, ब्लैक वाला, मेरा जैसा ब्लैक वाला, मैं भी तो काले हूँ ना इसलिए। सो गाइस फाइनली इतना मिल चुका है झींगा और स्नेल और मछली, ये तीर के माध्यम से मार मार के पूरा खत्म कर दिया, इसका प्राण जा रहा है, पूरा हिल रहा है ना, मर रहा है ये, इसको फिनिश कर देंगे, रोस्टिंग करके भी खा देंगे, हो सके तो चटनी बना के खा देंगे, तो अभी चलते हैं, जाने का वक्त हो रहा है गाइस, रेस्ट इन पीस मछली, काले हो तो क्या हुआ, दिल वाले है ना, दिल वाला क्यों नहीं हुआ, मैं अपना गर्लफ्रेंड को मैं 12-13 साल रिलेशनशिप हो गया, मैं उसको दुखा नहीं दिया, दिल वाले है। और दोस्तों अभी तो 3:30 बजने वाले हैं, और जाने का वक्त भी हो चुके हैं, और ज़्यादा लेके जाने पन्नी से गिर जाएंगे, इसलिए लालच नहीं होना है, तो चलो अमित वाह चलिए, धीरे धीरे पास चल, पकड़ पकड़ आ, अभी चलते हैं सीधा अपना गांव, तो सामने 1.5 किलोमीटर के आसपास होगा ना, यहाँ से 1.5 किलोमीटर होगा ना, 1.5 किलोमीटर ज़्यादा होगा, हम लोग का 1.5 किलोमीटर होगा, ज़्यादा होगा, यहाँ से आलोवारी अभी जो है 2 किलोमीटर ही बचे हुए हैं, नहीं नहीं हमारे घर घर, हाँ तो कहाँ, नहीं नहीं होगा, ज़्यादा होगा, ये हम यहाँ पर 1.5 किलोमीटर और ये वाला हाँ, हाँ, मेरा लेकिन आपका जो जहाँ पे आप रहते हैं ना, हाँ, वहाँ पे थोड़ा दूर है ना, हाँ, हाँ, 3 किलोमीटर होगा, यहाँ पर सामने में क्योंकि मैं इधर रहता हूँ इसलिए ज़्यादातर, और जाने का वक्त हो चुके हैं, अरे जैकेट हुआ,
मेरा जैकेट, ये भी गिफ्ट मिलने वाला है, फ्रांस का सब्सक्राइबर ने गिफ्ट दिया ये। और ये है हमारा यहाँ का नदी, और चलता है यार गाइस बस। और लेकिन ना बहुत मजेदार की बात है, तो इसे मारने से बहुत तो बढ़िया में लाया एक्चुअली। नहीं नहीं इसे मारेंगे ना कभी दिन, इसे मारेंगे कभी दिन, काल या परसों ट्राई करेंगे पानी में डूब डूब। ये जो एक्चुअली गहरा नदी में, ये इसको सही है। हाँ उस तरफ गहरा ना, गहरा नदी में मारेंगे, वहाँ पे जाएंगे। हाँ आज नहीं काल या परसों, अगर वीडियो अच्छा है तो ऐसा करके फिशिंग करने वाला था कमेंट करके बताना, हम दोनों के साथ आएंगे ना कभी दिन। हम लोग ना आप और मैं वो करेंगे खाने के चैलेंज, मुकबांग चैलेंज करोगे? ओके ओके चलेगा चलेगा। और दोस्तों फाइनली इतना मिल चुके हैं झींगा और मछली, इसे खाएंगे फिर आए करके खाएंगे, एलिफेंट एप्पल के खाएंगे, बहुत मिला है। और इसके साथ मारने के लिए जाएंगे ना। चलिए अरे यार अभी इसको पहुंचा देंगे उसका रूम पे। क्या नाम है तेरा गर्लफ्रेंड का, नाम बताओ। बताइए तो था, आज बताओ फिर से सबके सामने क्या नाम है, देखो ना तुम। ना 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 क्या नाम था मेरी ना, क्या नाम था नाम, मर्सी ओ मर्सी बढ़िया है। चलो बस तुझे इतना ही मिला, बहुत कम मिला, अकेला आदमी ना हो जाएगा। मुझे मेरा हिसाब से लगता है बियर के साथ पिए नहीं करेगा, बियर तो नहीं पिएगा, झूठ बोलता है, नहीं पिएगा सच्ची का। अरे पीना है कभी कभी, पीता है तो हम वो करके देखा था। और चलते हैं इसको पहुँच रहते हैं, और मैं अभी इसको पहुँचा दिया हूँ मैं मिस्टर अमितवा को, मर्सी का बॉयफ्रेंड को। तो गाइस अभी इसको पहुंचा दिया, और मैं जाऊंगा अपना घर के तरफ पे, तो वहाँ पर 5G मिलता है ना, यहाँ पर 5G नहीं मिलता है, 5G बहुत कम मिलता है। हाँ तरह तरह मिलते हैं, तो वहाँ जाते हैं, तो कभी दिन मिलेंगे और फिशिंग करने के लिए जाएंगे। बाय बाय, गुड नाइट, सेल 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 कलुआ 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 सेल 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 बराहर आदिद्रे सेले 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 हमारा सेले चले। यहाँ पर तो छत बन रहा है, किचन का हाल या तो यहाँ पर क्या है, चावल है। ए तुझे चाहिए खाना, से बोलते हैं तोको पत्ता, इसी के पत्ता से छत बनाते हैं। वहाँ पर धीरे धीरे करके शाम हो रहे हैं, ऐसे बांध रहा है, लेकिन मुझे डर लगता है, मेरा हिम्मत ही नहीं है ऐसा करके, और एक्सपीरियंस नहीं है। सिराज जी को तो पता से एक्सपीरियंस है इसे बांधने का, छत बनाने का। आजकल का जमाना का लड़कों को तो डर लगता है इसी से। और यहाँ पर है पचूंगा, खाना मांग रहा है, खाना चाहिए, बहुत खाया, अब तक खाया होगा ये मोर देन 1000 है, 2000 आसपास चूहा खाया होगा ये। बिल्ली बहुत ही शिकार करता है, चूहा मार मार के खाते हैं। अरे म्यूजिक हुआ, क्या हाल है कल हुआ, मेरा चप्पल किसने लेके गया, हाँ सीरी से किसने गायक पढ़ दिया, कालुआ म्यूजिक। इसको तो इसको मतलब पसंद नहीं करता ये, इसको मारने के लिए यहाँ पर आ गया, कालुआ म्यूजिक। अटैक मत करना, सेले 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 आए आए, लगता है इसको डर रहा है। सेले 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 बड़ा हो गया हमारे सेले 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 या चप्पल गायब कर दिया इन्होंने, काट के लेके गया सेले, बहुत बदमाश हो गया। ए, 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 बिल्ली को ऐसा कर रहा है, देख देख भाग गया, इतना हरामी बन गया तू, हाँ बदमाश है सेले तू। और अभी मुझे चप्पल को ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ से श्री से पता नहीं कालुआ या सेले दोनों में से एक गायब कर दिया। अरे तो यहाँ पर एक तो नजर आ रहा है, पता नहीं और कहाँ उस तरफ हो सकते हैं, यहाँ पर एक तो है, यहाँ पर गायब कर दिया, पता नहीं किस चीज़ का बदला ले रहे हैं सेले और कालुआ। पहले तो ऐसा नहीं थे सेले,
उस तरफ पूछते हैं, उस तरफ हो सकते हैं। ये मेरा रूम था और ये पूरा रिपेयरिंग कर रहा है बेम्बू के द्वारा पिताजी। घर काफ़ी बढ़िया है, बेम्बू का घर, लकड़ी का घर, मस्त है, हैंडसम है। वहाँ पर मम्मी वो यहाँ से पत्ता उतार तक के छत पे रख रही है। सो दोस्तों, ये है ओल्ड जनरेशन का दिमाग। पिताजी ने क्या करता है कि ये इसे ऐसे करके वो वहाँ पर ना, वहाँ पर आगे पे वो ऐसे वाला पत्ता बांधते हैं जो छत बनाते हैं, वो बांध के क्या करते हैं ऐसे करके किस किस के, ऐसे करके किस किस के ऊपर में ऐसे पहुँचा देता था। ओल्ड जनरेशन का दिमाग, लोकल इंजीनियर वहाँ पर पूरा ऐसे करके पूरा यहाँ से, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, उसमें कुछ पत्ता बांधते हैं 5 से के आसपास, ऐसे उतारते हैं और ऐसे करते हैं इसको किस किस के, ये इससे मतलब वो ऐसे तय ऐसे किस किस के ऊपर में ऐसे करके पत्ता डायरेक्ट चौथ पे ऐसे पहुंचा देते थे। क्या दिमाग है, लोकल इंजीनियर यार, लोकल इंजीनियर, पूरा इतना लंबा रस्सी यार। सो दोस्तों, वीडियो को फिनिश करने का वक्त हो चुके हैं और एक दो नेगेटिव वाले कमेंट किया कि ये बोला लुंगी क्यों पहनते हो, गीत में मिला है तो पहन रहा हूँ। तो उनमें से नेगेटिव कमेंट वाला बोला था कि और अपना ट्राइब्स का क्यों नहीं पहनते हो, दूसरा का क्यों पहनते हो, गीत में मिला है तो पहन रहा हूँ। अच्छी बात है कि ऐसे मतलब कमेंट नहीं करना है, तो अपना मर्जी, मुझे पसंद आया दूसरा तरफ का इसलिए मैं पहन के घूम रहा, गीत पे मिला है तो पहन के घूम रहा। तो कुछ लोग को मतलब तकलीफ होते हैं, जैसे कि वो लोग का ट्रेडिशनल कपड़ा है, तो ऐसा बात नहीं है, तो मैं फिर भी पहनूंगा, मैं अच्छा लगता है तो पहनूंगा। तो आपको गर्व होना चाहिए कि आप लोग का ड्रेस मतलब वो कोई आदमी पसंद कर रहा है। सो गाइस, आज के वीडियो को अभी फिनिश करते हैं और मिलते हैं कल फिर से और एक नए वीडियो के साथ। अभी इस वीडियो को तुरंत एक्सपोर्ट करके अपलोड कर देंगे यहाँ पर, यहाँ पर 5G मिलता है ना, इसलिए।